तो वीडियो पर एम करते हैं 69 लाख्स के लिए। मुझे पता है नहीं होंगे, लेकिन ट्राई तो करो। अबे जितने होंगे उतने तो कर दे। उसके अलावा वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, कोविड वैक्सीनेशन करवाना है। वैक्सीन कोई भी मिले, चाहे कोविशील्ड मिले चाहे कोवैक्सीन मिले, लेकिन लगवानी ज़रूर है। अरे भाई कोरोना है, वैक्सीन लगवा ले वैक्सीन। यार मैं तो वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा यार, ऐसे तो वैक्सीन से वही शोल्डर में पेन होगा, बुखार होगा, ये सब कुछ ऐसे ही। मैं तो वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, छोड़ो यार वैक्सीन। अरे यार अब अकाउंट्स की वीडियोस डालने का तो मन ही नहीं होता, अब कौन सी वीडियो डालूं। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। अब क्या करें, यानी कि अब तो वैक्सीनेशन करवानी ही पड़ेगी। वैक्सीनेशन करवाऊंगा, उसका व्लॉग की तरह वाह बना क्या के एक्टिंग कर डाल रहे हैं। दूंगा, इसी बहाने एक वीडियो अपलोड हो जाएगी और कंटेंट भी हो जाएगा। तो चलो चलते हैं वैक्सीनेशन करवाने। बाईस जुलाई 2021 टाइम हो रहा है लगभग सुबह के 11:30। तो मैं जाने वाला हूँ कोविड वैक्सीनेशन के लिए, और मैं यहाँ पर प्रेफर करने वाला हूँ कोवैक्सीन। तो क्या यहाँ पर कोवैक्सीन मिलेगी, तो मैं लगवा कर आऊँगा। यहाँ पर इसी वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसका इफ़ेक्ट किस तरह से होगा। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ वैक्सीनेशन के लिए। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ वैक्सीनेशन सेंटर पर, और देखते हैं यहाँ पर कि कोवैक्सीन मिल पाती है या नहीं। 2 hours later एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर कोवैक्सीन नहीं मिल पाई है, कोविशील्ड या, तो वही मैं अब लगवाने वाला हूँ। तो देखते हैं किस तरह से यहाँ पर कितनी टाइम लगता है, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है यहाँ पर। सो 3, 2, 1, go तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह से कोवैक्सीन यहाँ पर नहीं मिली, तो कोविशील्ड मैंने यहाँ पर लगवा ली है। लगभग आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक का टाइम लग गया, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। तो कोविशील्ड लगवा ली, अब देखते हैं कुछ टाइम बाद कि इसका इफ़ेक्ट किस तरह से हो पाता है। A few moments later तो यहाँ पर बैक टू होम जा रहे हैं वापस घर। One eternity later. तो यहाँ पर घर पर तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन शोल्डर में थोड़ा थोड़ा पेन होना स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं कुछ घंटों बाद क्या होता है। 5 hours later तो यहाँ पर वैक्सीन लगवाए हुए हो चुके हैं 5 से 6 घंटे, लेकिन यहाँ पर जो पेन हो रहा था शोल्डर में वो पहले से कम हो चुका है, और जहाँ पर सिरिंज लगी थी सिर्फ वहीं पर हल्का सा पेन है। ओवरऑल काफ़ी ठीक रहा है, अब तक तो कोई भी मेजर ऐसे प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुई है। कहीं अभी तक फीवर हुआ है, लेकिन कल तक लग जाएगा पता रात तक कि किस तरह से इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि सभी कहते हैं कि दूसरे ही दिन इसका इफ़ेक्ट होता है। तो कल ही अब पता लगेगा कि आगे क्या होगा, और आपको अपडेट भी कर दूंगा। 5 hours later यहाँ पर रात के ऑलमोस्ट 11:50 हो चुके हैं, और शोल्डर में काफ़ी ज़्यादा पेन होना भी स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं कल सुबह तक किस तरह से इसकी सिचुएशन होती है। 1 eternity later यहाँ पर सुबह के 8 बज चुके हैं, और यहाँ पर शोल्डर में पेन कल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब देखते हैं ये दर्द और कितना बढ़ेगा। 1 eternity later तो यहाँ पर नेक्स्ट डे भी पूरा बीत चुका है, तो यहाँ पर शोल्डर में पेन लगातार दोपहर तक तो काफ़ी ज़्यादा था, फिर कुछ कम हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि शोल्डर में पेन। तो अब देखते हैं कल तक जाएगा या नहीं। वहीं दूसरी तरफ बात करें फीवर की, तो हल्का सा एक बार तो फीवर हुआ था, लेकिन अभी तक तो ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ है फीवर, लेकिन पेन अभी भी है। तो कल तक ही अच्छी तरह से पता चल पाएगा कि कितना पेन रहेगा कल तक, और फाइनल करेंगे कल, आपको बताया जाएगा फाइनली। 1 eternity later यहाँ पर वैक्सीन लगवाए हुए ठीक 48 घंटे हो चुके हैं, और यहाँ पर फीवर की बात करें तो कल एक बार हल्का सा फीवर हुआ था, लेकिन उसके अलावा जो शोल्डर में पेन है वो रोलर कोस्टर की तरह कम ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। तो अभी तक तो इसी तरह की सिचुएशन है, आज शाम तक देखते हैं और फिर वीडियो को फाइनल करते हैं। 1 eternity later तो यहाँ पर वैक्सीन लगवाए हो चुकी हैं 57 घंटे। तो जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया था कि जो पेन है वो कम ज़्यादा हो रहा है, और फीवर कल एक बार हो चुका है हल्का सा। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं है, ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा। तो कंक्लूजन की बात करते हैं, तो वैक्सीन आपको लगवानी चाहिए, क्योंकि कोविड से बचने के लिए ये ज़रूरी है।
दूसरी बात, अगर आप कहें कि पेन होगा, फीवर होगा, तो वो सब तो होगा ही, लेकिन कोविड से बचना है तो वैक्सीनेशन तो करवानी ही पड़ेगी। जैसा मैंने, मेरे साथ हुआ, फीवर थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन कईयों को ज़्यादा फीवर भी होता है। उसी तरह से पेन मुझे जितना हुआ, हो सकता है आपको उतना ना हो। तो कंक्लूजन यही है कि आपको जो वैक्सीनेशन है वो करवानी ही चाहिए, क्योंकि कोविड से बचने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर डोज 2 मीन्स ब्लॉग 2 आफ्टर 3 मंथ्स।